प्रदेश के फिरोजाबाद के सिसागंज से, जहां सिकोहाबाद के थाना रामनगर गांव के निवासी हीरालाल डॉक्टर धन सिंह के दो पुत्र एक पुत्री थी, जिसकी 8 साल पहले ब्रूथ हुआ थाना बरनाल से शादी हुई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर उमेश बारेलाल की पुत्री बबिता की शादी रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आपस में मनमुटाव शुरू हो गया था। शादी के बाद ही देवेंद्र फिरोजाबाद के मोहल्ला महादेव नगर में 5 साल किराए पर रहा। पिता को फर्जी सूचना मिली थी कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है, जबकि एक्सीडेंट की जो बाइक थी वह बाइक एक दिन पहले ही साला देने आया था। पड़ोसियों ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले आपस में खूब तकरार भी हुई थी। खून से सना हुआ कपड़ा भी घर पर मिला। घर पहुंचते उससे पहले ही सिसागंज में एक्सीडेंट की एप्लीकेशन दे दी गई और फर्जी साइन करा लिए गए और बॉडी गांव में पहुंचा दी। पोस्टमार्टम के बाद जब शिकोहाबाद पहुंचे तो खून से सना हुआ कपड़ा मिला। गांव में जब पंचायत हुई तो साले ने कबूल किया कि मैंने खून साफ किया था। पुलिस पूरी तरह उनकी मदद कर रही है। पुलिस को तहरीर दी है कि सिरसागंज की पुलिस सुन नहीं रही, हमें न्याय चाहिए। आज पीड़ित ने फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। गोविंद बघेल है, निवासी ग्राम रामनगर थाना सुकोहाबाद जिला फिरोजाबाद का निवासी हूँ। निवासी दो भाई एक बहन है। मेरा भाई देवेंद्र सुकोहाबाद आवगंगा रोड सुकोहाबाद ओम नगर में किराए के मकान में रहते थे। मेरे भाई की हत्या मेरे भाभी के साले अंकित भाभी बबीता ने कर दी थी, जिसका हमें पता चला है। खून से लथपथ कपड़ा भी मिला है। हमें पुलिस न्याय नहीं दे रही है। मेरे भाई के मोहल्ले के कैमरों फुटेज भी गायब कर दिए हैं। एक्सीडेंट का बहाना बना करके बेवकूफ बना रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।